नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हर साल जम्मू तभी रेलवे स्टेशन में टेंडर्स निकलते हैं पार्किंग को लेकर। इस साल भी टेंडर निकाला गया है और ये टेंडर मिला है प्रथम ट्रेडर्स को, लेकिन जो वहां पर ऑटो यूनियन है उनके साथ इनके कुछ मतभेद हैं। जानने की कोशिश करेंगे रविंदर सिंह मन्हास जी से। सर, आपको इस साल का टेंडर मिला है और आपके जो ऑटो यूनियन है उनके साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका उसमें? ऑटो यूनियन है, वो टैक्सी यूनियन है, टैक्सी यूनियन है। तो बेसिकली मुझे टेंडर मिला है नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न से। टेंडर ई ऑक्शन के थ्रू टेंडर हुआ, ओपन टेंडर था, सब बड़े सारे ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट किया। टेंडर मेरे नाम होता है, हायर बिडर मैं डिक्लेयर होता हूँ। मुझे काम होता है, मुझे वहाँ जाना है, वो मुझे काम नहीं करने देते हैं, वो वहाँ आने नहीं देते हैं। उनका क्या रीज़न है, क्यों नहीं काम? मैम, रीज़न ये है कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना। अगर गवर्नमेंट मुझे ऑथराइज करती है कि आपने ये पार्किंग कलेक्ट करनी है तो इतने आपने रेट कोटी, इतने पैसे आपने हमें भरने हैं, मैं वहाँ कलेक्ट करूँगा तो मैं भरूँगा ना। अब ये सालों से वहाँ पैसे कमा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। अब 700 टैक्सी है तो 350 के पैसे रेलवे को जाते हैं, बाकी पैसे ये देते नहीं है। अब मैं जाऊँगा तो मैंने तो 700 के लेने हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो इनको यही हो रही है कि ये हमारी टैक्सियाँ किन लेगा। मैं वहाँ पे बैरियर लगाऊंगा, बैरियर रीड करेगा कि कितनी टैक्सी आ रही है, कितनी जा रही है। इनको इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की? देखिए मैम, देखो 31 को मैं वहाँ अपना बैरियर सामान लेके जाता हूँ, इन मेरे साथ मैन हैंडलिंग करते हैं। मुझे 40-50 लोग मुझे धक्का मुक्की करते हैं, मेरे पे अटैक करते हैं। तो मैं SHO साहब को, जो GRP का SHO, उनको एप्लीकेशन देता हूँ कि सर मेरे साथ ये परेशानी आई है, मेरा सामान वहाँ रह गया, मुझे मैन हैंडलिंग। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस, उसके बाद मैं रेलवे को अप्रोच करता हूँ कि मुझे भाई पोजीशन दिया जाए, मेरा काम शुरू हो, कल शुरू होने वाला है फर्स्ट। फिर वो डिसाइड करता है कि हम कर रहे हैं, 8 अगस्त को आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। जब 8 अगस्त को फिर जाता हूँ तो फिर वो मेरे साथ मैन हैंडलिंग करते हैं। वहाँ पर मैंने वो फुटिंग सब है, वो सारी रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने सब कुछ हुआ है। मैंने वहाँ बैरियर लगाने की कोशिश की, कंक्रीट वर्क किया तो उन्होंने वो तोड़ दिया और मेरे बैरियर के जो मैं लगा रहा सामान वो तोड़ दिया। फिर मैं जाता हूँ SHO साहब को, मैं सर पहले भी मैंने एप्लीकेशन दी, आज भी एप्लीकेशन दी, आप एक्शन नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ रहा है, पर पुलिस फेल हो गई मुझे पोजीशन दिलाने में। मुझे पता नहीं कि पुलिस क्यों नाकाम है उनके आगे। लेकिन टैक्सी यूनियन वालों का कहना है कि हम लोग भी वहाँ पर अब काम करने जाते हैं, हम लोग भी अपना घर चलाना चाहते हैं, इस तरह से अगर हमें उठाया जाएगा तो हमारे लिए भी मुश्किल। मैम, किसी को उठाना क्यों है, जब मेरा उठा के वहाँ काम नहीं चलना है, वही टैक्सी यूनियन वहाँ चलाएगी। उनकी सिर्फ पार्किंग स्पेस के मैंने पैसे लेने हैं, जितने पार्किंग स्पेस गवर्नमेंट का जो मुझे गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने मुझे दी है उसी के हिसाब से मैंने पैसे लेने हैं। वो जैसे टैक्सी चला रहे हैं वो वैसे ही चलाएंगे, जैसे वो काम करें ऐसे, मुझे उनसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ पार्किंग स्पेस के पैसे लेने हैं, वो मंथली दे दें, 3 महीने के दे दें, क्वार्टरली दे दें, जैसे वो उनकी मर्जी है। मुझे किसी को कोई वो ना मुझे परेशानी है ना उनको कोई परेशानी है काम करने में। मुझे अपना काम करने दिया जाए, वो अपना काम, वो टैक्सी यूनियन है, वो अपनी टैक्सी यूनियन चलाएं। मुझे पार्किंग स्पेस उनको प्रोवाइड करवानी है, जो वहाँ टैक्सी लेके आएगा चलाएगा और मैंने उससे पार्किंग कलेक्ट करनी है। टैक्सी यूनियन के हेड से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है इस बारे में? एक मैम, मेरी उनके साथ कोई 1-to-1 बात नहीं हुई है। उन्होंने मीडिया पे बड़े एलिगेशन लगाए हैं कि ये यूपी बिहार का कोई आ गया, बाहर का बंदा आ गया जी काम करने के लिए। पहली बात है कि जो यहाँ पे रेलवे सेंटर का डिपार्टमेंट है, कोई भी वहाँ पे टेंडर ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश जम्मू की है, 47 से मेरे फादर यहाँ से रह रहे हैं। दूसरा, ये एलिगेशन लगाते हैं कि इनकी रेलवे के साथ सांडगांड के से इनको टेंडर मिला गया। मैं कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कोई है तो आप RTA लगा सकते हैं ना, आप इंक्वायरी करवा लो। रेलवे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक छोटे से बंदे के साथ सांडगांड कर सकते हैं? ये नॉनसेंस न्यूज़ है कि वो फेक कुछ बोल रहे हैं। अब आपकी अपील क्या? अपील यही है कि मुझे वहाँ पे काम, जो मैंने रेलवे को पैसे भरे हुए हैं, आगे भी उनको पैसे देने हैं तो मुझे काम करने दिया जाए। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर प्रथम ट्रेडर्स के जो प्रेसिडेंट है रविंदर सिंह मन्हास, उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता की है। जिस तरह से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में हर साल टेंडर निकलते हैं और इन्होंने जो इस बार टेंडर निकला है वो प्रथम ट्रेडर्स को मिला है, लेकिन वहाँ पर टैक्सी यूनियन के साथ इनके जो मसले हैं वो लगातार बने हुए हैं, जिस पर को लेकर ये अपील कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर काम करने दिया जाए क्योंकि टेंडर भरा है।